दिल्ली सरकार ने आज विधानसभा में 76,000 करोड़ का बजट पेश किया है। फ्री बिजली, फ्री पानी के बाद अब केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता इसे राम राज्य वाला बजट बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे अरविंद केजरीवाल सरकार की विदाई वाला बजट बताकर सीएम केजरीवाल पर निशाना साध रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही किसी बेटी को कोचिंग की जरूरत हो या एक घर में रहने वाली महिला को सिनेमा हॉल में मूवी देखने की इच्छा हो, अब अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें हर महीने 1,000 रुपए। मेजे थपथपाए, खड़े होकर अभिवादन हुआ और केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगे। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश करने के दौरान जैसे ही महिलाओं के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ी घोषणा की, दिल्ली विधानसभा का नजारा कुछ यूं था। मौसम चुनावी है, वादों दावों और घोषणाओं की भरमार है, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का नया दांव चला है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1,000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। ये दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। अब आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे, मसलन क्या दिल्ली में रहने वाली हर महिला को महीने में 1,000 रुपए मिलेंगे? क्या इसके लिए दिल्ली का मूल निवासी होना जरूरी है या कोई भी महिला इस योजना का लाभ उठा सकेगी? तो आइए इन सवालों का आसान भाषा में जवाब देते हैं। जिन भी महिला को इस योजना का लाभ लेना हो उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। महिलाओं को आयकर की श्रेणी में नहीं आना होगा। सरकारी नौकरी वालों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। सरकारी पेंशन वालों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। दी गई जानकारी सही है, इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा। इसके लिए दिल्ली का स्थायी निवासी होना जरूरी है और तो और आधार कार्ड और मतदाता कार्ड भी रहना अनिवार्य होना चाहिए। दिल्ली की सरकार जहां इसे राम राज्य वाला बजट बता रही है, वहीं बीजेपी इसे रावण राज का बजट बता रही है। वो कह रहे हैं कि राम राज्य बजट है, तो इसके पहले का जो 9 बजट था वो क्या रावण राज बजट था? आपको अंतिम बजट ही राम राज्य लगा? बजट तो आपका पहला भी राम राज्य, तब तो आप राम को मानते ही नहीं थे। तब तो आप राम जी के मंदिर की जगह अपनी नानी की बात सुनाते थे कि वहाँ राम जी हो ही नहीं सकते। घोटालों के मास्टरमाइंड और भ्रष्टाचार के सरगना अरविंद केजरीवाल, आपने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है और आज आप दिल्ली में राम राज्य बजट की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। शराब घोटाले में आपने कमीशन खाई है, जल बोर्ड का घोटाला आपने किया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीट पर जीत दर्ज की थी। इन चुनावों में बीजेपी को 56% तो कांग्रेस को 22.5% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार के लिए चुनौती किसी भी कीमत पर बीजेपी की हैट्रिक को रोकने की होगी। केजरीवाल के स्पॉन्सर से बीजेपी की हैट्रिक रुकेगी या फिर बनेगी, ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़।
आपको रखे आगे।